दूसरा जो आपकी मेंटली तो हाउ टू रिलीज द फिक्स. तो जिस समय आप सुबोवती का कहानी सुन कर सकते हैं और द बैग्स नस डिस्कवर हनी बीज के बैग्स और आर्टिफिशियल बैग्स में व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस. तो यू कैन ऐड इट विद द एक्स्ट्रा लर्निंग विद द वैल्यू सिस्टम. चलिए आप भैया बताइए अब आपने कैसे किया था, मैं भी वैसे वैसे करती हूँ. हाँ वो भी चलेगा. बताइए मैम. ओके फाइन. सो आई शुड कवर इट विद द क्लास. ओके ये लीजिए मैंने कवर कर दिया. द वाटर राइजेस एंड कब कब जा रहा है कब जाए. अब देखिए अभी फास्ट और भी कुछ देख रहे हैं आप. और भी कुछ बबल्स. अच्छा अभी आपने देख लिया इतना इतना पानी. ठीक है तो सवाल ये कि पानी क्यों घुसाना. ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया. ठीक है अब एक सेकंड इस जगह में कितना ऑक्सीजन था. 20% था 1/5. तो वैसे ये 1/5 नहीं हुआ है. तो दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग इज कि मान लीजिए अब मैंने 3 रख दिया यहाँ पर और अभी इसको ढक दिया. एक बार फिर से करते हैं. ये माचिस कहाँ गए. Mommy, take this tissue. Okay. In 11th standard geography, she can give the aspect of the how much volume of the water it will go up. In this way, अब तो ये ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीजन बढ़ गई यहाँ पर. उसी ग्लास में अब ऑक्सीजन 20% से बढ़ के 40% हो गए. मैम बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर. अच्छा मोर कैंडल्स वर देयर. हाई टेम्परेचर प्रेशर इज रिड्यूस्ड सो वाटर लेवल राइजेस अप. एंड तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर रिड्यूस हो गया. But the point is confined है. मैम एक सेकेंड. वॉल्यूम कन्फाइंड है अगर तो उसमें जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा. एक्सपेंशन. राइट सो शी इज कमिंग अप टू दैट. सो बबल हुए तो क्या हुआ. सम एयर एस्केप्ड एंड देयरफॉर जो यहाँ पे एयर थी वो एक्सपैंड हो गई. तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया और बाहर प्रेशर ज्यादा था इसलिए अंदर घुस गया. तो ये बात मैं कह रही हूँ तो आपने मान कैसे ली. आपके बच्चे भी मान लेते हैं बेचारे क्या करें. फिर वही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु विष्णु. लेकिन उनको आप ये कैसे बताओगे कि ये जो हम कह रहे हैं ये कहानी सही है. ये कैसे बताओगे. मैनोमीटर से अभी हमने देखा ना मैनोमीटर. तो मैनोमीटर से अगर हम करके उन्हें दिखा सकते हैं कि भाई देखो वाकई में प्रेशर कम हो रहा है तो वो हमारी बात ज्यादा इजीली एक्सेप्ट करेंगे. तो लेट अस सी वेदर वी कैन शो इट एक्चुअली कि प्रेशर कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है क्या हो रहा है. अब देखते हैं हमारी ये सारी थ्योरी सही है गलत है क्या है.
adhesive force is less for this thing. क्लास में हम लोग कहीं एनसीईआरटी के सिलेबस में कोहेसिव एडहेसिव नहीं है, लेकिन तो बहुत जरूरत पड़ता है। 11th में है ना, तब तक बच्चा यूज करके पानी पीता है ना, फिर बोलता मैम इधर कैसे गीला हो गया। मैं दूसरी कैंडिडेट हूं, ये कैंडिडेट शुरू से प्रॉब्लम कर रहा था। अभी दोनों में लेवल लिक्विड का कैसा है? सेम इक्वल है। गिरना शुरू हुआ, अब हम इसको गिर
because of weightlessness. Yes. अब क्लास में ये बहुत गंदा होता है और सब प्रिंसिपल इतने कॉपरेट नहीं करते. क्या करना चाहिए? आज तो सर ने हमको बोला हाँ करो क्योंकि ये हम गेस्ट है भाई. लेकिन मुझे पता है क्या करना चाहिए. नहीं करेंगे एक्टिविटी का मजदा चीज है. एक बच्चे को चार बैग सामने पीछे साइड पे दो. वो ऐसे ऐसे करेगा टेबल के ऊपर खड़े करके बोलिए बेटा जस्ट जंप. Don't seek look after your friends. अपने को कंसेंट्रेट करो और थोड़ा सा जंप लेके देखो कि तुमको वेट कितना लग रहा है. The child will come out. पहले डरेगा. Then when he takes the jump, when he lands on the floor, he will say, "Ma'am, मुझे तो भागने पड़ेगा." So you are transforming this activity to the classroom activity. It comes. बच्चे फिर बाद में आएंगे मैम इतना बैग क्यों लेते तू ईसा लिया है. फिर बोला बच्चा कि आई हैव गेटिंग दिस एक्सपीरियंस फ्रॉम माय टीचिंग आफ्टर परफॉर्मिंग इन द क्लासरूम. ऐसे करके पांच छह